यह बजाज पल्सर, कहते हैं कि इस बाइक ने बजाज को डूबने से बचा लिया था। और एक टाइम था जब बजाज चेतक का स्कूटर इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक इमोशन हुआ करता था। आज बजाज ऑटो की इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर और दुनिया में नंबर वन थ्री व्हीलर कंपनी है। सालों तक इस कंपनी ने इंडियन टू व्हीलर मार्केट पर राज किया है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब कंपनी के बंद होने की नौबत आ गई थी। तब बजाज के कावासाकी मोटर, KB100 और कैलिबर जैसी बाइक्स ने बजाज को डूबने से बचा लिया था। लेकिन आगे चलकर ऐसा क्या हुआ कि बजाज ने कावासाकी का साथ छोड़कर ऑस्ट्रिया के केटीएम में अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। क्या कावासाकी ने बजाज को धोखा दिया था? इन सब सवालों के जवाब के साथ ही आज हम बजाज ऑटो की जर्नी को पूरी डिटेल में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है 1889 में, जब राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब मारवाड़ी के घर जमुना लाल बजाज का जन्म होता है। और सिर्फ 5 ईयर्स की एज में ही एक राजस्थानी बिजनेसमैन बछराज बजाज ने उन्हें अपने ग्रैंडसन के रूप में गोद ले लिया। अंग्रेज के साथ उनके काफी अच्छे रिलेशन थे और वो महाराष्ट्र में रहकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस किया करते थे। केवल 4 साल के फॉर्मल एजुकेशन के बाद जमुना लाल भी इसी बिजनेस में जुड़ गए और बिजनेस के तौर तरीकों को सीखने लगे। बछराज जी की डेथ के बाद जमुना लाल बिजनेस को अपने हाथों में ले लिया और 1927 में बछराज एंड प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के नाम से एक नई कंपनी की शुरुआत की और इस तरह बजाज ग्रुप के विशाल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत हुई। जमुना लाल बजाज अंग्रेजी हुकूमत के सख्त खिलाफ थे और महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने तमाम फैक्ट्रीज की शुरुआत की ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और हम देश में ही बने सामानों का इस्तेमाल करें। गांधी जी के कहने पर उन्होंने 1933 में लखीमपुर खीरी में हिंदुस्तान शुगर मिल की शुरुआत की, जो आज बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल है। जमुना लाल जी जब गांधी जी के साथ फ्रीडम मूवमेंट में काफी बिजी रहने लगे तो बिजनेस को उनके बड़े बेटे कमल नयन बजाज संभालने लगे, जो कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आए थे। और बिजनेस संभालते ही उसको स्कूटर, थ्री व्हीलर, सीमेंट, स्टील और इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे कई अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। 1945 में उन्होंने बछराज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की, जिसे आज हम बजाज ऑटो के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो बजाज ग्रुप आज इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप है, जिसका कंबाइन मार्केट कैप लगभग 8 लाख करोड़ है। आजादी के बाद हमारे देश में टू व्हीलर की सख्त जरूरत थी, लेकिन हमारे पास ना तो इसकी टेक्नोलॉजी थी और ना ही रिसर्च और ना ही डेवलपमेंट की सुविधा, और साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से इतनी पाबंदियां थी कि कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस नहीं कर सकता। इसलिए कमल नयन बजाज यूरोप कंट्री से टू व्हीलर और थ्री व्हीलर इंपोर्ट करके बेचने लगे। फिर साल आया 1959, जब उन्हें गवर्नमेंट से प्रोडक्शन का भी लाइसेंस मिल गया और अगले ही साल कंपनी को बजाज ऑटो के नाम से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दी गई। लेकिन अब मुश्किल तो ये था कि आखिर प्रोडक्शन किया कैसे जाए, और इसके लिए बजाज ने इटली की एक फेमस ऑटो मेकर पियाजियो के साथ एक डील साइन किया, जिसमें उन्हें वेस्पा स्कूटर को भारत में बेचने और बनाने का लाइसेंस मिल गया। वेस्पा पियाजियो की एक सक्सेसफुल स्कूटर थी जो इटली और दूसरे यूरोपियन देशों में काफी पसंद की जाती थी, और इंडिया में भी लॉन्च के बाद इसे लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। और फिर 1965 में कमल नयन बजाज ने अपने बिजनेस की सारी जिम्मेदारी अपने बेटे राहुल बजाज को सौंपी, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA की पढ़ाई कम्प्लीट करके वापस आए थे। राहुल बजाज कंपनी के बिजनेस को तेजी से एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन एक तरफ जहां गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कुछ भी करना पॉसिबल नहीं था, वहीं दूसरी तरफ 1971 में पियाजियो ने भी अपने लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया। अब बजाज को अपना अस्तित्व बचाने के लिए खुद का एक टू व्हीलर बनाने की मजबूरी थी। पूरी टीम ने दिन रात मेहनत की और 1972 में वेस्पा से इंस्पायर एक स्कूटर बजाज चेतक मार्केट में उतारा गया। अपनी लेब्रेटा के बाद बजाज चेतक भारत में बना दूसरा स्कूटर था, और अगर आपका जन्म 90 के दशक या उससे पहले हुआ तो आप बजाज चेतन स्कूटर के बारे में जरूर जानते होंगे, और आपने भले ही इस स्कूटर को चलाया हो या नहीं, लेकिन इसके फेमस जिंगल हमारा बजाज जरूर गुनगुनाया होगा। हमारा बजाज। मार्केट में आते ही इसकी सेल्स इतनी तेजी से ऊपर गई कि बुकिंग करने के बाद डिलीवरी के लिए लोगों को सालों वेट करना पड़ा। आम लोग बड़े शान से अपनी फैमिली को लेकर इस पर चला करते थे, और इसी स्कूटर की इंडिया में टू व्हीलर मार्केट में मोनोपॉलिसी हो गई थी। फिर 90s का वो दौर जब इंडिया में कई तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए गए और फॉरेन प्लेयर्स को भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का परमिशन मिल गया। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स तो सालों से वेट कर रहे थे कि कब यह इंडियन मार्केट में एंट्री ले पाएंगे, और गवर्नमेंट के इस मूव ने उनको एंट्री लेने का एक मौका
मौका दे दिया। होंडा मोटर ने भी जब इंडिया आने में अपनी दिलचस्पी दिखाई तो 100 से भी ज्यादा एप्लीकेशन उनके पास पहुंच गए, जिसमें से होंडा ने 3 कंपनी को सिलेक्ट किया, बजाज ऑटो, हीरो और काइनेटिक। लेकिन बजाज उस समय काफी बड़ा प्लेयर था, इसलिए होंडा ने 2 छोटे प्लेयर्स के साथ जाने का डिसाइड किया। वो मोटरसाइकिल का बिजनेस हीरो को दे देता है और स्कूटर का जो बिजनेस होता है वो काइनेटिक को दे देता है। बस अब यहीं से शुरुआत थी बजाज के बुरे दिनों की। हीरो होंडा की मोटरसाइकिल और काइनेटिक होंडा की स्कूटर के चलते लोगों में गियर वाले स्कूटर की पॉपुलैरिटी काफी कम होने लगी, जिसका सीधा असर बजाज चेतक के सेल्स पर पड़ता है, क्योंकि उनका 80% रेवेन्यू चेतक की सेल्स से ही आई थी। बाकी रही सही कसर यामा, आरएस और राजदूत ने पूरी कर दी। बजाज ऑटो की वैल्यूएशन एयर ऑन एयर 40% की रेट से गिरने लगी और नौबत तो ये आ गई कि मार्केट एनालिस्ट अब बजाज ऑटो के अंत को देखने लगे थे। राहुल बजाज ने जिस बजाज ऑटो को 7.5 करोड़ से 12,000 करोड़ की कंपनी बनाया था, उसी कंपनी को अपने आंखों के सामने बर्बाद होते देख रहे थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। होंडा, यामाहा और सुजुकी के रिफाइंड और रिलायबल इंजन का मुकाबला वो बजाज चेतक से नहीं कर सकते थे, लेकिन अब समय बदलने वाला था। कहानी में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे शख्स की जिसने बजाज ऑटो की किस्मत को पलट कर रख दिया। वह शख्स थे राहुल बजाज के बड़े बेटे राजीव बजाज, जिन्होंने 1988 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री हासिल की। उनकी सोच अपने पिता से बिल्कुल अलग थी, जिसकी वजह से उनके बीच काफी मतभेद भी थे, लेकिन अभी प्रायोरिटी थी बजाज को बचाने की। राजीव ने स्कूटर बिजनेस की हिस्ट्री को भूलकर बाइक प्रोडक्शन में आगे बढ़ने का फैसला किया और अर्ली 20s में जापान की कावासाकी के पार्टनरशिप में KB100, बॉक्सर, कैलिबर, एलिमिनेटर और विंड 125 जैसी बाइक्स को मार्केट में लॉन्च किया और साथ ही अफ्रीका, नाइजीरिया, मैक्सिको, लैटिन अमेरिका और फिलीपीन जैसे देशों में इसको एक्सपोर्ट किया जाने लगा। बॉक्सर बाइक तो अफ्रीका की लार्जेस्ट सेलिंग बाइक बन गई थी और कावासाकी बजाज कैलिबर को इंडिया में अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन फिर भी बजाज ऑटो की मार्केट पोजीशन हीरो होंडा, यामाहा और सुजुकी के सामने लगातार नीचे गिर रही थी। राजीव बजाज ने अपनी स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से चेंज किया। उसी समय सारे मैन्युफैक्चर इंडिया में ही मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर 100cc सेगमेंट की सस्ती लाइटवेट कम्यूटर बाइक बना रही थी, लेकिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अब पहले से बेहतर हुई थी, जिससे उनकी परचेसिंग पावर में भी इजाफा हुआ था। और उसी बातों को ध्यान में रखकर बजाज की रिसर्च और डेवलपमेंट टीम ने एक पावरफुल और परफॉर्मेंस बाइक को तैयार करने के लिए काम करना शुरू कर दिया और साल 21 में पल्सर 150 और पल्सर 180 भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया। ज्यादा बड़े और पावरफुल इंजन, लॉन्ग बेस वेल और मस्कुलर डिजाइन के साथ पल्सर एक प्रीमियम बाइक थी। साथ ही डिस्क ब्रेक और साइड स्टैंड इंडिकेटर इसे दूसरी बाइक से अलग बनाते थे। राजीव बजाज की डिफरेंट स्ट्रेटजी काम कर गई और पल्सर बाइक ने मार्केट में ऐसी धूम मचाई कि बजाज ऑटो एक बार फिर कंपटीशन मार्केट में वापस आ गई। इसके साथ ही 100cc कम्यूटर सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 2006 में बजाज पैलेटिना को भी लॉन्च किया गया, जो आज भी टॉप सेलिंग बाइक्स में शुमार है। निश्चित रूप से कावासाकी का साथ बजाज के लिए एक जीवन दान से कम नहीं था। उनके रिश्ते पल्सर के लॉन्च के बाद भी मजबूत बने रहे और 2009 में कावासाकी ने अपने प्रीमियम बाइक्स के सेल्स और सर्विस के लिए भी बजाज के साथ एक डील साइन किया और उनके प्रीमियम डीलरशिप के जरिए अपनी निंजा जर्सी स्पोर्ट्स बाइक को सेल करने लगे। हालांकि राजीव के मन में एक कसर जरूर थी कि आखिर उनके पास फास्ट स्पोर्ट्स बाइक बनाने की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है। इस दौरान उन्हें पता चला कि ऑस्ट्रिया की एक फेमस मोटर कंपनी KTM काफी बुरे दिनों से गुजर रही है और बर्बाद होने के कागार पर है। KTM एक बड़ा नाम था और उसकी टेक्नोलॉजी राजीव बजाज के सपनों को हकीकत में बदल सकती थी। बजाज ने फौरन KTM के 14.5% स्टॉक परचेज कर लिए और अपने हिस्सेदारी को धीरे धीरे बढ़ाते हुए आज 48% की कंट्रोलिंग पोजीशन पर आ गए। दोस्तों, इसे बजाज को 2 फायदा हुआ। सबसे पहले तो उन्हें जिस एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी वो मिल गई और दूसरी उनकी ब्रांड वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में काफी बढ़ गई। बजाज ऑटो ने KTM की मदद से अपने पल्सर ब्रांड को अपग्रेड करके पल्सर NS और RS सीरीज को लॉन्च किया, जिसका आज यूथ में जबरदस्त क्रेज है। दरअसल ऑस्ट्रिया में KTM बाइक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी अधिक थी, इसलिए उनकी बाइक काफी महंगी हुआ करती थी। लेकिन जब उसका प्रोडक्शन बजाज ने इंडिया में शुरू किया तो प्रोडक्शन के कॉस्ट में लगभग 30% की गिरावट आ गई और जब 2012 में एक अफोर्डेबल प्राइस के साथ KTM ड्यूक 200 को लॉन्च किया गया तो यह बाइक काफी पॉपुलर हो गई और इसकी सक्सेस से इंस्पायर होकर KTM ने ड्यूक 390, RC 200 और RC 390 मॉडल को भी मार्केट में उतार दिया। लेकिन दोस्तों, KTM से बजाज की नजदीकियां कावासाकी को चुभने लगी, क्योंकि कावासाकी और KTM दोनों एक ही सेगमेंट में बाइक का प्रोडक्शन करती थी और इंडिया में KTM बाइक के रेट नीचे आने से कावासाकी के सेल्स पर काफी असर पड़ने लगा। हालांकि ऑफिशियली तो इस बात को कहानी कहा नहीं गया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो बजाज और कावासाकी के बीच मार्केटिंग और ब्रांडिंग को लेकर कुछ डिस्प्यूट काफी दिनों से चल रहा था और बजाज के मुश्किल दिनों में भी कावासाकी ने अपने स्पोर्ट्स बाइक की टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं की, जिसकी वजह से बजाज मैनेजमेंट उनसे
खुश नहीं था। कावासाकी को बजाज से अलग होने का अंदेशा पहले से ही था, इसलिए 2010 में कावासाकी ने महाराष्ट्र के पुणे में इंडिया कावासाकी मोटर के नाम से अपना एक प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करके अपने सप्लाई चेन को मजबूत करना शुरू कर दिया था। और आखिरकार 2017 में कावासाकी ने इंडिया में बजाज के साथ अपने सेल्स और सर्विस एग्रीमेंट को खत्म कर लिया। खैर, अब बजाज को इससे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि केटीएम के आने के बाद 100 सीसी सेगमेंट में प्लेटिना और डिस्कवर से लेकर पल्सर जैसी परफॉर्मेंस बाइक और डोमिनार और ड्यूक जैसी शानदार स्पोर्ट्स बाइक बजाज के पोर्टफोलियो में मौजूद है। और अगर थ्री व्हीलर की बात करें तो हमारे दिमाग में सिर्फ बजाज ऑटो रिक्शा का ही खेल आता है। 2017 में ही बजाज ने यूके की ट्राइंड मोटरसाइकिल के साथ मिड साइड बाइक के प्रोडक्शन और सेल्स के लिए भी एक ग्लोबल पार्टनरशिप किया था, जिसके तहत उन्हें अभी जल्द ही June 23 में स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X बाइक को लॉन्च किया है। आज बजाज ऑटो की टू व्हीलर और थ्री व्हीलर 70 अलग अलग देशों में मौजूद है, और यही वजह है कि उनके कुल रेवेन्यू का 50% हिस्सा एक्सपोर्ट से ही आता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि दिसंबर 20 में बजाज ऑटो का मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ को भी पार कर गया था, जिससे यह दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि बजाज ऑटो की यह सक्सेस जर्नी भी आपको काफी पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।